छूगा यहाँ पे चढ़ाई ना बहुत कड़ाई सा कड़ा कड़ा चढ़ाई है। देखो आदमी लोग खच्चर में जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, और तुम्हारा भाई विनोद साइकिल लेके जा रहा है केदारनाथ, तो आप लोग को कैसे लगे होंगे? ऐसे ऐसे चढ़ता है, मैं ही बोलता हूँ ना, किसी को तकलीफ मत दो यार, जिसका जानता है वही जाओ, ये शक्ति है वही करो। ये आई डोंट नो, ये मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है, खच्चर के ऊपर चढ़ के ये सब जो कर रहा है ना, मेरे को पेपर अच्छा नहीं लग रहा है। बट ये जो हो जाए ना, ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ये उत्तराखंड सरकार से मैं अम्बर रिक्वेस्ट ये करता हूँ, यहाँ पे खच्चर वगैरह ये रोक लगाया जाए, क्योंकि आदमी लोग को चलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखो भाई साहब, अंकल आंटी भी चढ़ते, भक्ति में शक्ति ये बोल के ऐसा बात नहीं है कि बूढ़ा भी चढ़ रहा है। अरे हम राजस्थान अलवर से हैं, बाबा के दर्शन करने आए थे जी। आपको देखकर हमारा मन बड़ा खुश हुआ, आप असम कहाँ से कितनी दूर से आपको बाबा ने दर्शन के लिए बुलाया, और आप जैसे युवा इस देश के लिए एक तजुर्बा और सब कुछ दे रहे हो जी। और लगातार कितने 47 दिन है लगातार आपका जी। जय बोलेगी जय। आप कहाँ से आई है? देख रहे हो ना, ये मिट्टी नहीं, ये बर्फ है, आदमी लोग जा रहा है खेलने के लिए, देख रहे हो, ये पूरा बर्फ है। वाह क्या लग रहा है इधर में बर्फ। हम लोग केदारनाथ राइट चढ़ाव पहले शाम को शुरू हुआ था, गौरीकुंड से 2 किलोमीटर ऊपर में आके हम लोग रुके थे, तो ऐसा वाला जगह में अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर में। तो भाई देख सकते हो रात का 3 बजे से खच्चर वगैरह सारा चीज़ चलना स्टार्ट हो गया, अभी हम लोग भी चलते हैं, क्योंकि चलने तो बनता है ना, तो भाई निकल जाता है राइड से बोझा, यहाँ से आपका 20 किलोमीटर अभी भी निकल जाता है। जय श्री राम, हर हर महादेव। सामान रेडी हो गया जाने के लिए? ओ भाई हम लोग भी रेडी हो गया, अब जाते हैं राइड स्टार्ट, अभी 13 से 14 किलोमीटर है, चालू हो जाते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। चढ़ रहे हम लोग केदारनाथ का पहाड़, ठीक है, ये देखो भाई, रात को 4 बज चुका है, अभी आदमी होकर इतना भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, और हम लोग का साइकिल में लगेज वगैरह पूरा फुल पावर में रेडी हो चुका है। जय श्री राम। अभी हम लोग केदारनाथ की पूरा कड़ी सी कड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हैं, अभी यहाँ पे आके मैंने मुँह शुद्ध धो लिया, अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर में। अभी देखो शिवी खच्चर वगैरह लग चुका है, चेक करो, या हम लोग यहाँ पर 3 किलोमीटर आ चुका है, अब जा रहा है ऊपर की साइड में। अच्छा कर, आप कहाँ से आई है? सो भाई चेक करो इधर का व्यूज लोकेशन, ये चेक करो, आदमी लोग आने में डर रहा है यहाँ पे। और तुम्हारा भाई ने साइकिल लेके आया, ये देखो तुम्हारा भाई साइकिल लेके आया बोलिए, और करीब करीब ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर समथिंग 10 किलोमीटर है, तो हम लोग चलेंगे आ रहे हैं भाई भाई साइकिल, ठीक है। आदमी लोग कहाँ से आ रहा है मैं सारा चीज़ दिखा रहा हूँ, आदमी लोग ट्रैक करके कहाँ से आ रहा है, ये देखो भाई वहाँ से आ रहा है, तुम्हारा भाई भी यही साइकिल लेके आ गया, वही रास्ता से है भाई। जय श्री राम, हर हर महादेव। हम लोग केदारनाथ का चढ़ाई चल रहा है, अभी हम लोग चाय नाश्ता कर रहा है यहाँ पे, तो अभी भी 10 किलोमीटर है ना, 10 किलोमीटर है, अभी चाय पियेंगे अच्छा से, उसके बाद हम लोग दोपहर तक पहुँच जाएंगे, शायद दोपहर तक पहुँच जाएंगे, हम लोग का दर्शन कल ही होगा, रेस्ट करेंगे, रूम रूम लेंगे, तो भाई जा रहा है, देखते रहना। अभी यहाँ से क्या करना, सिर्फ 10 किलोमीटर है हम लोग जा रहे हैं, और यहाँ का व्यूज बहुत बड़ा अच्छा है, तो आप लोग भी दिखाने के लिए यहाँ पे रुका था, तो भाई चेक करो, हर हर महादेव। दोपहर तक हम लोग पहुँचेंगे ऊपर केदारनाथ में। जय श्री राम। छूगा यहाँ पे चढ़ाई ना बहुत कड़ाई सा कड़ा कड़ा चढ़ाई है, देखो आदमी लोग खच्चर में जा रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, और तुम्हारा भाई विनोद साइकिल लेके जा रहा है केदारनाथ, तो आप लोग को कैसे लगे होंगे तो कमेंट करके जाना। भाई लोग का साइकिल यहाँ पे खड़ी है, और मेरा पेन का हालत देखो, और मेरा चेन निकला था रात को, चेन निकला, देखो भाई पेन मेरा लॉन्ग पेन ख़त्म ही हो गया है, यहाँ पे देखो भाई ये सब होता है क्या, किसी का पेन देख रहे हो, और ये रही मेरी, इसका ना मैं ऊपर में जाकर नामकरण करने वाला हूँ।
2500 किलोमीटर चल के आए आसाम गुवाहाटी खानापाड़ा से केदारनाथ घूमने जा रहे हैं साइकिल। इसका मैं ऊपर में अच्छा से एक नाम प्यारा से नामकरण कर दूंगा, तो देखते भाई क्या होता है। तो भाई आदमी लोग ऐसे ऐसे चढ़ता है, मैं ही बोलता हूँ ना, किसी को तकलीफ मत दो यार, जिसका जानता है वही जाओ, ये शक्ति है वही करो। ये आई डोंट नो, ये मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है, खच्चर के ऊपर चढ़ के ये सब जो कर रहा है ना, मेरे को बेपर अच्छा नहीं लग रहा है। बट ये जो हो जाए ना, ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ये उत्तराखंड सरकार से मैं हम्बल रिक्वेस्ट ये करता हूँ, यहाँ पे खच्चर वगैरह ये रोक लगाया जाए, क्योंकि आदमी लोग को चलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखो भाई साहब, अंकल आंटी बेचारे भक्ति में सकती है बोल के ऐसा बात नहीं है कि बूढ़ा भी चढ़ रहा है और जवान भी चढ़ रहा है, कोई ऐसा नहीं मान रहा है कि नहीं ये ठीक है, हो सकता है ना बूढ़ा चलेगा जवान नहीं चढ़ेगा, ऐसा बात नहीं, हर आदमी चढ़ रहा है। एक प्रतिबंध लगाया जाए, मैंने उत्तराखंड सरकार से हम्बल रिक्वेस्ट मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक खच्चर बैन किया जाए, क्योंकि खच्चर कोई भी लौट रहा है। देखो भाई कैसे करके ऊपर जा रहा है खच्चर लोग, ये लोग को पूरा हो सके तो ये लोग को मार मार के लेके जा रहा है ऊपर में। तो भाई प्लीज़ उत्तराखंड सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक खच्चर बैन किया जाए तो यहाँ से रास्ता ले आ जाए, तो गाड़ी आ जाए तो आसान मिलेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। ये वीडियो उत्तराखंड सरकार तक पहुँचे मैं हम और रिक्वेस्ट करता था, जितने मेरा सब्सक्राइबर है उत्तराखंड सरकार में टैग कर देना, हर हर महादेव। जब मैं केदारनाथ जा रहा था तो मैंने एक भैया लोग ने रोका है। हेलो भैया। हेलो सर, राजेंद्र शर्मा। हेलो सर, तो आप लोग कहाँ से आ रहे हो? हम राजस्थान अलवर से हैं, बाबा के दर्शन करने आए थे। आपको देखकर हमारा मन बड़ा खुश हुआ, आप असम कहाँ से कितनी दूर से आपको बाबा ने दर्शन के लिए बुलाया, और आप जैसे युवा इस देश के लिए एक तजुर्बा और सब कुछ दे रहे हो जी। और लगातार कितने 47 दिन है लगातार आपका जी। जय बोलेगी, जय बोले, हर हर महादेव। तो भैया ने चाय पिलाने के लिए यहाँ पे चाय का व्यवस्था कर दिया, दिस इज शुक्रिया था भैया, थैंक यू चाय पिलाने के लिए, शुक्रिया। देख रहे हो सर, मैं क्या नजर लग रहा है और क्या खच्चर में आदमी ऊपर नीचे कर रहा है। ये देखो भाई साहब, खच्चर चल रहा है यहाँ पे। तो हम लोग को भी केदारनाथ खरीद नहीं है, हो सके तो आज शाम तक केदारनाथ पहुँच जाए, तो प्रे करना यू ऐसे ऐसा प्रे। अभी तक हमें शिप पहुँचा है यहाँ तक, आगे भी हम लोग का राइड शिप हो जाए, ठीक है। वो बोले बोले बाबा कि चलो नहीं पड़ेंगे आज, नहीं तो कल से हर हर महादेव। यहाँ पे हम लोग ने खाया भोजन, क्योंकि यहाँ पे चला था लंगर मजा से तरह से। करीब दो दिन से हम लोग अच्छा खाना नहीं खाया था, दो दिन से हम लोग अच्छा खाना नहीं खाया था, अभी हम लोग खा लिया। अभी हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ साइड में, यहाँ से करीब करीब 5 किलोमीटर है, जाते हैं दिखाते हैं आपको। सो भाई देखो, वहाँ पे जाना हम लोग, अभी चढ़े बहुत सारी है, और हम लोग अभी यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारा गर्म और बारिश भी दे रहा है यहाँ पे। आई नो हम लोग पहुँचे, रूम शूम मिले, उसके बाद बारिश आए तो अच्छा है, जल्दी बारिश आएगा ना भाई, कपड़ा लग जाएगा, कपड़ा निकालो, सब चीज़ बांध के रखा हुआ है ना। 2 किलोमीटर ना भैया, बस अभी 2 किलोमीटर बारिश ना आ जाए, बस हम लोग पहुँच जाएंगे बाबा जी के कपाड़ में, उसके बाद रूम लेंगे एक टू और बैठेंगे, कल सुबह उठ के अच्छा दर्शन आए, हर हर महादेव। देख रहे हो ना, ये मिट्टी नहीं, ये बर्फ है, आदमी लोग जा रहा है खेलने के लिए, देख रहे हो ये पूरा बर्फ है। वाह क्या लग रहा है इधर में, बर्फ पूरा ठंडा इधर में, क्या इधर है। सो भाई फाइनली पहुंच गया मंदिर, अभी बस 50 मीटर की दूरी में, तो आज का ब्लॉग में मंदिर नहीं आएगा, क्योंकि कल का ब्लॉग में मंदिर आएगा, आई एम वेरी टाइट। तो गाइज पहुँच गया केदारनाथ मंदिर, कल आएंगे केदारनाथ मंदिर का ब्लॉग, ठीक है। देखो भाई
भाई फाइनली केदारनाथ में आ चुका हूँ। आने के बाद में बाहर में इतना बड़ा बारिश आया ना, इसके लिए अभी हम लोग टेंट के अंदर में, देखो भाई भाई का टेंट था भाई, करीब कितने दिन से तू मेरा हो गया 20 दिन भाई, 20 दिन से इधर ही है, तुम्हारा लिए वेट कर रहा था मेरे लिए वेट कर रहा था भाई। अभी हम लोग कल करेंगे केदारनाथ धाम में दर्शन करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, 2-3-4-5 दिन रुकेंगे, उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। ओ भाई आज का ब्लॉग आपको पसंद है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज एमएलटी मीडिया साइनिंग ऑफ, बी से पर रहे एमएलटी मीडिया, टाटा बाय बाय। हाँ गाइस, कल जाने वाले हम लोग दर्शन करने के लिए। आज का चढ़ाई इतना, गौरीकुंड का चढ़ाई इतना बड़ा था ना, केदारनाथ का चढ़ाई, मैं पूरा थक गया हूँ, मैं पूरा टाइट हूँ। तो भाई सोते तो वीडियो को एंजॉय करना, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना।